दोस्तों भारत आज विकास की ओर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए विकास में ये 10 प्रोजेक्ट जैसे ही पूरे होंगे, वैसे ही भारत की तस्वीर और विदेशियों को भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। भारत के उन 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में है जिसके पूरा होते ही एक भारतीय अपने आप पे गर्व महसूस करेगा। इसलिए इस वीडियो के 10 प्रोजेक्ट को देखते हुए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट कौन सा लगा। और वीडियो देखने के दौरान अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना और एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, मुंबई टू दुबई अंडरसी बुलेट ट्रेन। वैसे तो दुनिया में टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें भारत अभी काफी पीछे है, लेकिन ये शब्द भारत पर अब ज्यादा दिन तक लागू नहीं रहेगा, क्योंकि भारत सरकार और दुबई सरकार मिलकर पानी यानी समुद्र के अंदर एक ऐसा पाइपलाइन बिछा रही है जिसमें हाई स्पीड रेल चलेगी जो कि लगभग 2000 किलोमीटर लंबा होगा। और ये अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन होगी जो कि सिर्फ 2 घंटे में भारत के मुंबई से दुबई के फुजेरा बंदरगाह तक का सफर तय करेगी, जिसमें ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उस समुद्र के रास्ते में आने वाले किसी भी क्रूज की कोई यात्रा प्रभावित ना हो। हालांकि ये फ्लोटिंग टनल बिछाने के बाद दोनों देशों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एक दूसरे के व्यापार में, क्योंकि इस नेटवर्क में यात्री पर्यटक और गुड्स को तो ट्रांसफर किया ही जाएगा। साथ ही भारत के नर्मदा नदी में जो हर साल बाढ़ आ जाती है, उस पानी को भारत पाइपलाइन के जरिए दुबई में निर्यात कर सकता है और दूसरे पाइपलाइन से दुबई से तेल और गैस पहुंचाया जा सकता है भारत में। और ये सारा काम फ्लोटिंग टनल के अंदर होगा जिसमें चलने वाली ट्रेन 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। उसी तरह इस सूची में अगला बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत का है वो है नंबर 9, न्यू पंबन ब्रिज। वैसे तो तमिलनाडु में पंबन ब्रिज कई सालों पहले से ही चालू है जो कि 1914 में बनकर तैयार हुआ था, और उस वक्त पंबन ब्रिज भारत का सबसे पहला समुद्री रेल पुल था और सबसे लंबा भी। लेकिन 2019 में ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि 3 महीने के बाद उसे रिपेयर करके अगस्त 2019 में उस पर फिर से ट्रेन चलाया गया, लेकिन भारत सरकार ने 2019 में वहां न्यू पंबन ब्रिज बनाने की घोषणा कर दी जो कि पूरी उम्मीद है कि बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रोजेक्ट देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, यानी ये पुल इतना शानदार होगा कि जब इस पुल के नीचे से किसी शिप को निकलना होगा तो ये 2 पार्ट में टूटकर अलग हो जाएगा और फिर ट्रेन आने पर इसके दोनों भागों को जोड़ दिया जाएगा जो कि 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलेगा और 101 पेयर्स के साथ पुराने पुल की तुलना में 3 मीटर ऊंचा खड़ा होगा ताकि समुद्री जहाज और स्टीमर को निकलने के लिए ज्यादा स्पेस प्रदान कर सके। साथ ही ये ब्रिज 2.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 250 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है रेल विकास निगम लिमिटेड की निगरानी में। इसी तरह भारत में बन रहा एक और बड़ा प्रोजेक्ट है नंबर 8, इथेनॉल प्लांट्स। जिस तरीके से भारत में पिछले कुछ सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, ये किसी भी सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए सरकार कई सेक्टर में काम करने की कोशिश कर रही है, और उसी में से एक बड़ा सेक्टर इथेनॉल है जिसकी सहायता से पेट्रोल और डीजल का सब्स्टिट्यूट लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर आप इथेनॉल फ्यूल के बारे में, 17 इथेनॉल प्लांट्स खोलने की घोषणा की गई है जो कि हर साल 35.2 करोड़ लीटर ईंधन का उत्पादन करेगी, जिसको बनाने के लिए सरकार 30,000 करोड़ की लागत कर रही है जो कि बिहार के कुछ मुख्य शहरों में होंगे जहां इथेनॉल के प्लांट खोले जाएंगे, जिसमें बिहार का भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण और भागलपुर जैसे शहरों में इथेनॉल के प्लांट लगाए जाएंगे, जिसके बाद ईंधन की कीमतें 60 रुपए से 62 रुपए के बीच होने की पूरी संभावना है, जिससे आने वाले 12 से 18 महीने में बिहार के आम नागरिक से लेकर किसानों तक को बहुत फायदा होने वाला है। खैर अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7, मुंबई रोवे प्रोजेक्ट्स। वैसे तो आप सबने कभी न कभी रोवे की सवारी तो की ही होगी, पर क्या आपने कभी समुद्र के ऊपर रोवे की सवारी की है? अगर नहीं तो अब अपने देश के मुंबई में आपको इसका जल्द लुत्फ उठाने को मिल सकता है, क्योंकि मुंबई में MMRDA की निगरानी में भारत का सबसे पहला और सबसे लंबा रोवे बनाने का काम चल रहा है जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि मुंबई के पूर्वी तट में सेवरी और रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक एलिफेंटा द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोवे के तैयार होते ही
सेवरी से एलिफेंटा केव तक का सफर मात्र 14 मिनट में पूरा हो जाएगा। फिलहाल अभी ये दूरी तय करने में लगभग 1 घंटे से ज्यादा लगता है। वैसे तो इस रोपवे का काम शुरू किया जा चुका है, जिसमें 30 सीटर वाली केवल कारें होंगी और इसमें कुल 8 से 11 टावर लगाए जाएंगे, जिसमें समुद्र के बीच में 50 मीटर से 150 मीटर की ऊंचाई तक अलग अलग टावर लगाए जाएंगे। ये रोपवे प्रोजेक्ट सेवरी फोर्ट से चलकर मुंबई पोर्ट और एलिफेंटा आइलैंड या घरपुरी के रायगढ़ जिले में समाप्त होगा। वैसे आपको बता दें कि इस सफर के लिए भारतीय टूरिस्ट को 500 रुपए और विदेशी टूरिस्टर को 1000 रुपए तक चुकाना पड़ सकता है। हालांकि मौजूदा समय में एलिफेंटा केव में लगभग हर साल 7 लाख टूरिस्टर आते हैं। इसके बनने के बाद टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इससे सालाना 378 करोड़ रुपए की कमाई होगी। क्योंकि एलिफेंटा आइलैंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल लेना होगा, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 6, मणिपुर रेलवे स्टेशन। किसी भी राज्य के बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उस राज्य में रेल और रोड मार्ग का होना बहुत जरूरी होता है। पर जब से मणिपुर जैसा खूबसूरत राज्य भारत का हिस्सा हुआ है, तब से लेकर कई दशकों तक वहाँ बेसिक जरूरत तक की सुविधा नहीं पहुँच पाती थी, जिसके कारण मणिपुर का विकास उस तेजी से नहीं हो पा रहा था जिस तेजी से बाकी राज्यों के विकास हो रहे थे। लेकिन जनवरी को असम के सिलचर से एक पैसेंजर ट्रेन मणिपुर की सरकार ने जीरीबाम से इम्फाल रेलवे लाइन के लिए 13,809 करोड़ के लागत वाली 111 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने की घोषणा की है, जिसमें 8 नए रेलवे स्टेशन होंगे मणिपुर में और उसको बनाने के लिए 62 किलोमीटर तक सुरंग बनाया जाएगा, 4 सड़क ओवरब्रिज और लगभग 12 सड़क अंडरब्रिज के साथ साथ 134 छोटे पुल इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाए जाएंगे, जिसको बन जाने के बाद मणिपुर का विकास तो तेजी से होगा ही, साथ ही यहाँ टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि मौजूदा समय में यहाँ हर साल मात्र 1,80,000 टूरिस्टर आते हैं, पर रेल यात्रा शुरू होने के बाद अंदाजा लगाया गया है कि ये बढ़कर 7 से 10 लाख तक हो सकता है। नंबर 5, मणिपुर टॉलेस्ट पीर ब्रिज। हालांकि मणिपुर के विकास के लिए रेल के साथ साथ एक और विश्व स्तरीय परियोजना पर काम चल रहा है, जिससे विदेशी पर्यटकों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित होगा। यानी मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है। फिलहाल अभी यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर का मौजूदा रिकॉर्ड है, जिसको पार करते हुए 141 मीटर पर मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण हो रहा है, जिसको बनाने में अभी तक कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जिसका निर्माण मणिपुर के अलजाई नदी के ऊपर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज की टोटल लंबाई 703 मीटर है और इस पुल को हाइड्रोलिक बर्मा का उपयोग करके पियर्स का निर्माण किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक ये दोनों प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएंगे, जिससे मणिपुर के लोगों को व्यापार करने में और वहाँ के लोगों के आय में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसी तरह इस सूची में नंबर 4 प्रोजेक्ट है। नंबर 4, डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी। हीरो के घरेलू कारोबार के साथ निर्यात में बढ़ोतरी के लिए गुजरात के सूरत में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग हब बनाया जा रहा है। इस हब को डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी यानी कि ड्रीम सिटी का नाम दिया गया है। हालांकि सूरत को पहले से ही दुनिया में डायमंड क्लस्टर के रूप से जाना जाता था, जहां पहले से ही 3,500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट मौजूद है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे 2000 एकड़ यानी 810 हेक्टेयर में बनाया जा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डायमंड का कारोबार होगा। इसे गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी बताया जा रहा है गिफ्ट और ढोलेरा के बाद। दरअसल ड्रीम सिटी की प्रमुख भूमिका बिना पॉलिश किए हीरो का व्यापार करना और पॉलिश किए हुए हीरो का निर्यात करना होगा। इस सिटी में बैंकिंग और बीमा सेवाओं की सुविधा भी होगी। फिलहाल अभी भारत में एकमात्र डायमंड एक्सचेंज भारत डायमंड बॉश मुंबई में मौजूद है, लेकिन सूरत में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड हब बनाया जा रहा है, जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हीरा कारोबारियों के लिए 10,000 कार्यालय होंगे, जिस पर 1,25,000 करोड़ की लागत लगने की संभावना है, जिसको बनाने के बाद 1,00,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे, वो भी ड्रीम सिटी के अंदर। हालांकि अगर आप चाहते हैं हम इनमें से किसी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल अभी जानते हैं तीसरे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में।
नंबर 3 गंगा एक्सप्रेसवे। प्रोजेक्ट की बात चल रही हो और किसी एक्सप्रेसवे और हाईवे का नाम ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत में जिस तेजी से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, उतनी तेजी से शायद ही किसी सेक्टर में भारत में विकास हुआ होगा। और उसी विकास का हिस्सा है ये गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि 584 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसको बाद में 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है। ये एक्सप्रेसवे बिजौली गांव मेरठ से लेकर प्रयागराज को एक रोड से कनेक्ट करेगा, जिसको बनाने का उद्देश्य कुंभ से जुड़ा है, जिसका फाउंडेशन स्टोन 18 दिसंबर 2021 को दे दिया गया है। और उम्मीद है कि ये एक्सप्रेसवे 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 37,350 करोड़ की लागत आएगी। और ये बनने के बाद यूपी के पश्चिम से लेकर पूर्व तक का सफर काफी आसान हो जाएगा, जिसे अडानी इंटरप्राइजेस और IRB डेवलपर द्वारा निर्माण किया जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही इसका फेज 2 भी बनाया जाएगा, जो कि प्रयागराज से बलिया को कनेक्ट करेगा। फिलहाल अब वक्त है नंबर 2 की तरफ चलने का। नंबर 2 न्यू एयरपोर्ट्स इन बिहार। ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी कितना महत्वपूर्ण है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को क्योंकि बिहार भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है और आज भी इसके कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी की कमी है, जिसके कारण टूरिस्टर और बाहर से आने वाले यात्रियों को कम ट्रांसपोर्टेशन के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसको देखते हुए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CM नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है, जिसमें बिहार के 5 मुख्य शहर शामिल है, जैसे कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, रक्सौल और पूर्णिया एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जिक्र किया गया है। और इसके लिए 4 से 5 सालों के अंदर लगभग 20,000 करोड़ खर्च करने की योजना बनाई गई है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का प्लान बनाया गया है और पटना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रक्सौल और दरभंगा में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू है, जिसे जल्द पूरा होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में कुछ अटकलें आ रही हैं। वैसे जो बिहार से हैं, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर कौन सी अटकलें बिहार के विकास में बाधा बन रही है। नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव। ये प्रोजेक्ट भारत में बन रहे अभी तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही 1 लाख लोगों को तो नौकरी मिलेगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खेल और हर तरह के ओलंपिक गेम्स के लिए भारत पूरी तरह तैयार हो जाएगा, जिसका फाउंडेशन स्टोन 24 फरवरी 2021 को दे दिया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। अभी इसका एक हिस्सा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है, जो कि 63 एकड़ में फैला है। और आपको बता दें कि ये पूरा इनक्लेव 236 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें 20 ओलंपिक वेन्यूज बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, इंडोर स्पोर्ट्स, रेसलिंग, टेनिस, कबड्डी, स्क्वैश, बॉक्सिंग ग्राउंड समेत कई तरह के ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, फीफा गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए 50,000 सीटों वाला फुटबॉल ग्राउंड भी तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस इनक्लेव में 3,000 अपार्टमेंट्स, मीडिया के लिए ऑफिस, होटल्स और फूड कोर्ट समेत 15,000 बाइक पार्किंग और 7,500 कार पार्किंग को भी शामिल किया गया है, जिसके बनने की कुल लागत 4,600 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसमें सरकार 3,200 करोड़ रुपए निवेश कर रही है और प्राइवेट प्लेयर इसमें 1,400 करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहे हैं, जो कि गुजरात के मोटेरा में बनकर तैयार होगा पूरी तरह से। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जय हिंद, जय भारत।